हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोग का फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक्सेल का होम मेनू बताने वाला हूँ, ठीक है। तो हाँ, आज हम सीखेंगे होम मेनू के कैसे यूज करते हैं। होम मेनू में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, उन सारे ऑप्शन को यूज करके हम देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पे जो मेरा एक्सेल है, ठीक है, एक्सेल खोलने के लिए तो हमने बहुत बार बताया आप लोग को कि विंडोज प्लस आर बटन दबाइए, यहाँ पे एक्सेल टाइप कीजिए और एंटर कीजिए, आपका क्या एक्सेल खुल जाएगा। अगर आप हमारी पिछली वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज आई बटन पर जाके वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे होम मेनू स्टार्ट किया। तो होम मेनू के अंदर आपको मिल जाएगा कट, कॉपी, फॉर्मेट, प्रिंटर और पेस्ट। इन सब का काम क्या होता है? कट कॉपी का काम होता है क्या कि किसी भी टेक्स्ट को आप या टेक्स्ट लिखे या किसी भी पार्टिकुलर चीज ले ले, इनसे इमेज ले ले, उस चीज को यहाँ से मूव करके अलग ले जाना होता है कट का काम। जैसे कि हम यहाँ पे एक टेक्स्ट लिख लेते हैं, ठीक है। अब इस टेक्स्ट को हम क्या कर लेंगे, यहाँ से कट कर लेंगे, तो ये क्या होगा कि यहाँ से ये कट हो जाएगा। अब हम चाहते हैं कि ये जो टेक्स्ट यहाँ से यहाँ पे पेस्ट हो जाए, तो हम क्या करेंगे, पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो वो जो चीज जो टेक्स्ट यहाँ पे आपने टाइप किया था वो डीपी आके यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। देखिए हम यहाँ से पेस्ट करेंगे तो ये क्या हुआ, यहाँ से कट होके यहाँ पे चला आया, ठीक है। उसके बाद होता है कॉपी। कॉपी का काम होगा क्या कि सेम यही चीज रहेगा और यहाँ पे आ जाएगा। कट में क्या था कि यहाँ से आपने कट करके यहाँ पे रखा, कॉपी में क्या होगा कि सेम इसका डुप्लीकेट बन जाएगा। कॉपी कर दी, अब हम चाहते हैं कि सेम यही चीज यहाँ पे आ जाए, तो हम जैसे ही पेस्ट करेंगे तो वो सेम चीज यहाँ पे आ जाएगा। कट का शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल एक्स। कॉपी का शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल सी, ठीक है। और पेस्ट का शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल वी। कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल एक्स से कट और कंट्रोल वी से पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ से कंट्रोल सी करेंगे कॉपी हो गया, यहाँ से जाके कंट्रोल वी मारेंगे पेस्ट हो जाएगा। कंट्रोल एक्स करेंगे यहाँ से तो ये कट हो जाएगा, और कहीं पे जाके पेस्ट कर देंगे तो वहां पे पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद मिलता है फॉर्मेट प्रिंटर। फॉर्मेट प्रिंटर का काम क्या होता है कि ये जो आप कोई भी टेक्स्ट लिखिए, वर्ड लिखिए, उसका जो डिजाइन कीजिए, फॉर्मेट बदलिए, वो सब फॉर्मेट होता है, ठीक है। रंग रूप आकार चेंज करना होता है टेक्स्ट का, वो सारा का क्या होता है, फॉर्मेट होता है। अब हम चाह रहे हैं कि जैसे कि यहाँ पे हमने कुछ टेक्स्ट लिख दिया, इस टेक्स्ट में हम यहाँ पे कलर कर देंगे, फॉर्मेट बदल देंगे, इसका बोल्ड कर दिए थोड़ा सा, उसके बाद यहाँ पे हम इसका साइज बढ़ा लिए इतना, उसके बाद इसका फॉन्ट बदल दिए, हम कोई भी फॉन्ट बदल दिए, इस तरह से कलर कर दिए, ठीक है। अब हम चाहते हैं क्या कि सेम इसी की तरह, अब ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, सेम यही टेक्स्ट की तरह ये सारे के सारे टेक्स्ट चेंज हो जाए, फॉर्मेट में बदल जाए, इसी फॉर्मेट में बदल जाए, लिखावट वही रहेगा, सिर्फ क्या होगा, टेक्स्ट चेंज हो जाएंगे, सॉरी टेक्स्ट नहीं, इसका फॉर्मेट चेंज हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम इसको क्या करेंगे, पहले तो यहाँ सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक करेंगे, तो ये क्या करेगा, सब सिलेक्ट हो गया। अब हम चाहते हैं क्या कि इसमें हो जाए, तो ये देखिए चेंज हो गया। क्या चेंज हुआ, इसका टेक्स्ट वही रहा, सिर्फ इसका फॉर्मेट चेंज हो गया, जो हमने इसमें फॉन्ट बदला था, जो बोल्ड किया था, ये कलर किया था, वो सब का सब इस टेक्स्ट में चेंज हो गया। तो फॉर्मेट प्रिंटर का काम होता है एक तरह सा ब्रश है, जो कि किसी भी टेक्स्ट का फॉर्मेट को उठा के आप में कॉपी करके पेस्ट कर देगा, ठीक है। तो ये फॉर्मेट प्रिंटर का काम हो गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम, ये होता है आपका फॉन्ट एरिया, ठीक है। इतना दूर ये फॉन्ट है, यहाँ से आप किसी भी तरह का फॉन्ट, बोल्ड, फॉन्ट स्टाइल, ये सब आप यहाँ से मिला सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे मिलता है फॉन्ट का स्टाइल, आप किस तरह का स्टाइल में रखना चाह रहे हैं फॉन्ट को। हम मान चलिए एरियल ब्लैक सिलेक्ट कर लिए, तो ये एरियल की तरफ हो गया, यहाँ पे हो गया, ठीक है। ये सिलेक्ट जो सिलेक्ट रहेगा वो टेक्स्ट यहाँ पे चेंज होते रहेंगे। हम चाहते हैं बोल्ड ना हो, ऑफ हो जाए, ऑन हो जाए। इसमें क्या है कि आपका एरियल में वो पहले से बोल्ड है, तो इसको ऑफ कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे बोल्ड ऑफ हो गया, बोल्ड ऑन हो गया। इटैलिक कर दे तो तिरछा हो जाएगा, अंडरलाइन करेंगे तो नीचे क्या होगा, नीचे यहाँ पे देखिए एक लाइन आ गया, ठीक है। तो आप बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन का यूज कर सकते हैं और यहाँ से ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। उसके बाद इसका साइज बढ़ाना है, तो यहाँ पे साइज का ऑप्शन है, आप यहाँ से जितना चाहे उस तरह का साइज यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ठीक है। या फिर आप यहाँ से भी साइज बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बॉर्डर मिलता है, ठीक है। बॉर्डर क्या होते हैं कि जैसे कि हम कहीं पे बॉर्डर ऐड करना होता है, कहीं बॉर्डर लगाना होता है,
तो हम यहाँ से क्या करते हैं, सबको सिलेक्ट कर लेते हैं। मान के चले कि हमें इतना दूर में बॉर्डर क्रिएट करना है, तो हम इतना दूर सिलेक्ट करेंगे, ऑल बॉर्डर पे क्लिक करेंगे, तो आपको कुछ इस तरह का बॉर्डर दिखाई दे देगा। ठीक है, तो इस तरह से बॉर्डर क्रिएट करने के लिए आपको बॉर्डर वाले ऑप्शन में जाना होता है। इसमें बहुत सारे ऑप्शन है यूज कर करके। बॉर्डर का काम होता है क्या, सिर्फ नीचे की ओर बॉर्डर को इंसर्ट करवाएगा। टॉप बॉर्डर में आप सिर्फ ऊपर की ओर बॉर्डर को ऐड कर सकते हैं, लेफ्ट बॉर्डर में सिर्फ लेफ्ट की ओर, राइट में राइट की ओर, नो बॉर्डर में बॉर्डर नहीं चाहिए। जैसे हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, अब हम चाहते हैं क्या कि हमें ये बॉर्डर नहीं चाहिए, तो हम इसे क्या कर देंगे, नो बॉर्डर कर देंगे, तो ये बॉर्डर क्या होगा, नहीं खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब मान के चलिए यहाँ पे हम सिलेक्ट किए थे, अब इसको हम टॉप पे कर देते सिर्फ ऊपर का बॉर्डर आता, देखिए सिर्फ ऊपर का बॉर्डर आया। ठीक है, बॉटम करेंगे तो सिर्फ नीचे का बॉर्डर आएगा, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद होता है आउटसाइड बॉर्डर, मतलब ये बीच में नहीं बॉर्डर आएगा, इसके बाहर बाहर बॉर्डर आएगा। देखिए आउटसाइड में बाहर बाहर बॉर्डर आया, ठीक है, बाकी से इसका कोई मतलब नहीं है। उसके बाद यहाँ पे है थिक बॉक्स बॉर्डर, थिक करेगा तो ये मोटा बॉर्डर आएगा। थिक पे क्लिक किया तो यहाँ पे मोटा मोटा बॉर्डर आ गया। उसके बाद यहाँ पे है कि अब यहाँ से बॉर्डर देख लीजिए, कैसे जैसा बॉर्डर चाहिए उस तरह का बॉर्डर यहाँ से ऐड कर लीजिए। यहाँ से आप ड्रा भी कर सकते हैं, इरेज भी कर सकते हैं, लाइन कलर फिर जैसा रखना उस तरह से चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे कलर पे, फॉन्ट कलर यहाँ पे, कि आप किसी इसमें हम बदलना चाहते हैं कि फिल कलर, ये फिल कलर इस तरह का हो तो इस सेल के अंदर फिल हो जाएगा, या इतना दूर सेल सिलेक्ट कर लिए, सेल के अंदर कलर करना है तो इस तरह से आप कलर कर सकते हैं। तो ये सेल का कलर करने के लिए होता है, फिल कलर करने के लिए होता है, और ये टेक्स्ट कलर होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद आते हैं अलाइनमेंट्स में। अलाइनमेंट्स आपका लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई है, उसके बाद यहाँ पे ऊपर का अलाइनमेंट है, तो हम यहाँ से जिस तरह का अलाइनमेंट सेट करना चाहते हैं उस तरह का अलाइनमेंट यहाँ पे रख सकते हैं। जैसे कि हमें करना है सेंटर में तो सेंटर अलाइनमेंट होगा, राइट में करेंगे तो राइट होगा, लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट अलाइनमेंट होगा, और यहाँ से लेफ्ट में ऊपर करेंगे तो ये ऊपर की ओर होगा, नीचे करेंगे तो ये नीचे की ओर होगा, और ऊपर करेंगे तो और ऊपर की ओर होगा, तो यहाँ से सेंटर में ऊपर करेंगे तो ऊपर की ओर हो जाएगा अलाइनमेंट्स। तो यहाँ पे आप अलाइनमेंट्स चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट चेंज, इसका टेक्स्ट का एंगल चेंज कर सकते हैं, तिरछा लिखना है या टॉल में लिखना है, इस तरह से यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जैसे हम इस तरह से एंगल करेंगे तो ये कुछ इस तरह से लिखाएगा, हम इसका एंगल यहाँ से जैसा बदलना है इस तरह से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से बदल गया, तो आप यहाँ से टेक्स्ट इसका एंगल चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मिलता है आपका एक रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट का काम क्या होता है कि जैसे हम यहाँ पे कुछ वर्ड लिख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया इनवॉइस नंबर, इतना हमने लिख दिया। ठीक है, तो ये जो इनवॉइस नंबर यहाँ पे इस सेल में चले गए, हम चाहते हैं कि नहीं इस सेल में ना आए, इसी सेल में टूट के नीचे की ओर आ जाए, तो वो रैप टेक्स्ट का काम होता है। रैप टेक्स्ट का काम होता है ब्रेक करना, तोड़ना। यहाँ से क्लिक किए तो ये देखिए रैप टेक्स्ट यहाँ पे टूट के नीचे चला आया। थोड़ा सा इसको आप फैला भी सकते हैं इस तरह से, ठीक है, तो कुछ इस तरह से दिखा। फिर उसके बाद अलाइनमेंट आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो रैप टेक्स्ट का काम होता है आप टेक्स्ट को तोड़ने के लिए। ठीक है, अब हम चलते हैं मर्जन सेंटर। मर्जन सेंटर क्या होता है? मर्जन सेंटर का काम होता है कि सेल को तोड़ने के लिए, सेल को ब्रेक करने के लिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए कि हम चाहते हैं क्या कि ये जो सेल है, ये सेल ये टूट जाए, तो यहाँ पे मर्जन सेंटर पे क्लिक कर दीजिए, ये आपका सेल टूट जाएगा। फिर ऐड करना है तो फिर इसी पे क्लिक करेंगे तो ये क्या होगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, फिर बॉर्डर लगा लीजिए यहाँ पे, तो मर्जन सेंटर भी क्लियर। तो आप लोग का यहाँ तक हमने क्लियर करा दिया, होम मेनू, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट और अलाइनमेंट्स, यहाँ तक का क्लियर है। बाकी का यहाँ जो बच गया आपका नंबर, स्टाइल, सेल, एडिटिंग, ये कल के वीडियो के लिए है। ठीक है, अभी आप लोग यहाँ से यहाँ तक प्रैक्टिस कीजिए, कल के वीडियो में हम ये सारा के सारे चीज बताएंगे, तब तक आप यहाँ से यहाँ तक का प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आई है। अगर पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।